हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की एक ऐसी सीरीज़ की जिसे मैं आपसे कहूँगी रात में देखना बिल्कुल ना शुरू करें। नहीं, ये कोई हॉरर सीरीज़ नहीं है। एक्चुअली जब आप इसका एक एपिसोड देखेंगे तब आपका मन होगा इसका सेकंड देखें एपिसोड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और ऐसे इसमें 7 एपिसोड्स हैं। हाँ, रन टाइम की बात भी कर लेते हैं, 40 से लेकर 80 मिनट्स तक का रन टाइम है अलग अलग एपिसोड्स का, तो अच्छा खासा टाइम आपका इसमें लगने वाला है। सीरीज़ का नाम है गन्स एंड गुलाब्स, और ये आपको बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देगी। मुझे तो कर दिया था एटलीस्ट। यहाँ पर क्विंटन टेरेंटिनो की स्टाइल को कैप्चर करने की इसके मेकर्स राज एंड डीके ने बढ़िया कोशिश की है, बिल्कुल मजा दिला देते हैं। कॉमेडी को बहुत ही सीरियसली लिया है इन्होंने। आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी जहाँ पर दो बिल्लियों की लड़ाई का फायदा एक बंदर उठा ले जाता है। कहानी को थोड़ा सा बदल देते हैं, बिल्लियों को खूंखार बना देते हैं और बंदर को सरकारी तबका दे देते हैं। ऐसे में अगर इन बिल्लियों को इस बंदर की चालाकी का पता लग जाता है, फिर जो तांडव होता है उसे इस सीरीज़ में बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। एक जो चीज़ आपको शुरू से लेकर आखिरी तक यहाँ पर मिलने वाली है वो है बैलेंस। अगर ज़रा सा भी किसी भी चीज़ का, चाहे वो एक्टिंग का हो, स्टोरी का हो, कॉमेडी का हो, एक्शन का हो, और जो यहाँ पर स्टुपिड हरकतें की जाती हैं उनका डिस्टर्ब होना, तो ये सीरीज़ क्रिंज हो जाएगी। और अगर उससे कम हो तो जो मज़ा आ रहा है वो मज़ा नहीं आएगा, हल्की लगेगी। तो बैलेंस प्रॉपर आपको शुरू से आखिरी तक मिलने वाला है। तो पूरी सीरीज़ देखकर थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। पूरा मैं बताती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। सो फॉर द सीरीज़ गन्स एंड गुलाब्स, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 90s के एक कस्बे को बढ़िया से दिखाया गया है। उस छोटे से कस्बे से जितनी कहानियाँ निकल सकती हैं यहाँ पर निकाल कर दिखाई गई हैं। चाहे टीनेज बच्चों का पहला प्यार हो, टीचर के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो जाना हो, और एक दुकानदार का जो लगातार देखता रहता है उसी टीचर को और उसको इतना ज़्यादा पसंद करता है कि उसके लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है, वो अपने पिता की लेगेसी से भाग रहा है, उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता है, एक साइको किलर जो ट्रेंडिंग बॉलीवुड हेयर स्टाइल को अपने ऊपर रखे हुए है और उसी स्वैग में चलता आपको मिलेगा, और वो चीज़ें जो 90s के समाज का अभिन्न अंग हुआ करती थी, करप्शन और गुंडाराज, वो भी यहाँ पर आपको भर भर कर मिलने वाला है। सो यहाँ पर गुलाबगंज और शेरपुर जिसमें दो गुंडों के गुट हैं उनके बीच में आपस में भिड़ंत होती रहती है, यहाँ पर एक बड़ी डील होने वाली है और उस पर दोनों ही अपना कब्जा करना चाहते हैं। डील होने वाली है कलकत्ता से, वहाँ से सुकांतु आते हैं जिनकी भी बहुत अच्छे से यहाँ पर एंडिंग होगी। अब क्योंकि ओपीएम की डील होने वाली है, अफीम की बात चल रही है, तो नारकोटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। बिना पुलिस के तो कोई करप्शन कर ही नहीं पाता है कहीं पर, तो पुलिस का भी उसी तरीके से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। तो सिचुएशन बहुत बढ़िया बनती है। इवेंट्स आपको शुरू में बिजार लगेंगे लेकिन बाय द एंड ऑफ द एपिसोड या बाय द एंड ऑफ द 2-3 एपिसोड जो सिचुएशन पहले क्रिएट की गई है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाला है कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया। हाँ, स्टूपिड इवेंट्स लगेंगे लेकिन कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। एंड जो रखा गया है वो ओपन एंडिंग रखी गई है लेकिन वो भी मुझे पूरी कंप्लीट लगी है। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ जो मुझे इस सीरीज में मिले हैं। सो द फर्स्ट पॉजिटिव ऑफ द सीरीज फॉर मी विल बी कि अगर 7 एपिसोड की सीरीज जो कि अच्छा खासा रन टाइम लिए हुए है बिना किसी अडल्ट सीन के और एक्सट्रीम वायलेंस के बिना ऑडियंस को बांधे रख सकती है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिजार कॉमेडी, सिचुएशनल एरर्स जो हो रही हैं, कॉमेडी ऑफ एरर्स यहाँ पर क्रिएट की जा रही हैं, तब जो मेकर्स हैं राज एंड डी के उन्होंने बेहतरीन काबिले तारीफ काम किया है, हैट्स ऑफ टू देम। सेकेंड पॉजिटिव विल बी 90s को तो इतना अच्छे से इस सीरीज़ में कैप्चर किया गया है कि अगर आपने अपना बचपन किसी छोटे कस्बे या शहर में बिताया है तब तो आप फुल ऑन नॉस्टैल्जिक होने वाले हैं, टाइम मशीन की तरह आप फिर से उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे इस सीरीज़ में, बेहतरीन। देन थर्ड पॉजिटिव विल बी कैरेक्टर डिज़ाइन इज़ वेरी इंट्रिकेट, एवरी कैरेक्टर, देयर सीन्स, देयर स्टोरीज आर वेल क्राफ्टेड। मेरा फेवरेट हो जाएगा आत्माराम, चार कट आत्माराम, बेसिकली वो उसके मारने का स्टाइल है, उसने जो अपनी हेयर स्टाइल रखी हुई है संजू बाबा को कॉपी करते हुए, जो समय काफ़ी ट्रेंडिंग हुआ करती थी, और उसकी 7 लाइव्स जो आपको अंडरटेकर की याद दिलाएगी, WWE वाले जो हर बार जिंदा होकर आ जाया करता था, या फिर पाना टीपू के नाम से यहाँ पर राजकुमार राव जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो फेमस रहता है, उसके अराउंड जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक मिथिकल कैरेक्टर सब बना देते हैं जो आपको हर कस्बे और शहर में कहानियाँ छोटी छोटी होती हैं सुनने को मिल जाती हैं, और उसमें लोग और नमक मिर्च लगाकर सुनाया करते हैं, वो भी आपको यहाँ पर दिखने वाला है।
बहुत पॉजिटिव वो सीरीज़ ही क्या जो बढ़िया मैसेज डिलीवर कर ना जाए। और यहाँ पर तो आपको एक से बढ़कर एक धांसू मैसेजेस स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए जा रहे हैं, हंसी ठिठोली में ही सही। जैसे विमेन को लेकर इसकी एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग एंडिंग की गई है, जो स्कूल में बच्चों की बुलिंग होती है और लड़के जो बुलिंग करते हैं उनकी भी बैक स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसका भी आपको हर तरीके से सोचने का तरीका दिखाया गया है। साथ ही साथ जो अपनी फैमिली लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है गुंडागर्दी की, उसके सामने कैसे सिचुएशंस आती हैं और उसे क्या क्या करना पड़ता है। जो ओपीएम वाली खेती चल रही है उसमें क्या क्या करप्शंस आते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए थोड़ा ड्रॉबैक की बात कर लें, यहाँ पर एक दो एपिसोड आपको ज़रूर एक्स्ट्रा लगने वाले हैं या फिर एक दो एपिसोड का जो रन टाइम है वो बहुत एक्स्ट्रा लगेगा। उन्हें अगर कंप्रेस कर दें तो इसका थ्रिल कोशेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, जिनको ये जॉनरे पसंद नहीं है, ये क्राइम थ्रिलर नोआ होता है, क्विंटन टेरेंटिनो की स्टाइल है, पल्प फिक्शन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर्स होता है, जैसे कि कोई कुर्सी पर बैठे और अचानक ही कुर्सी टूट जाए, तो कुछ लोगों को बहुत तेज से हंसी आ जाती है और कुछ लोग इसे इनसेंसिटिव या फिर इलॉजिकल मानेंगे। तो उन लोगों को जिन्हें इस चीज़ से चिढ़ मचती है उन्हें तो ऑब्वियसली बातें नहीं पसंद आएगा, बाकी जो इस जॉनरे की नाक रखते हैं उनको बहुत ही मजा आने वाली है। मैंने इस सीरीज को बिंज वॉच करके देखा है नाइट आउट मार के, और इसमें कोई भी एडल्ट सीन नहीं है, कोई भी एक्सट्रीम गोर एंड वायलेंस नहीं है। सो आप इसको अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, यंग अडल्ट बच्चों के साथ देख सकते हैं, कॉज थोड़ी बहुत गालियाँ हैं जो कि आप इंडिया में इधर उधर सुनते ही रहते हैं। मैं इस सीरीज़ को स्टोरी के बेसिस पे 10 out of 10 दूंगी, कॉमेडी के बेसिस पे 10 out of 10 दूंगी, अगर ओवरऑल सारी फैक्टर्स को कंसिडर करूँ तो मैं 9 out of 10 तो ज़रूर ही देने वाली हूँ इस सीरीज़ को। बाकी मैंने इसे फुल ऑन एन्जॉय किया है और ऐसी सीरीज़ में और देखना चाहती हूँ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।